जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपको बता दें, देहरादून से एक खबर है। ऋषिकेश रिसोर्ट की घटना, गीता 18 तारीख को गायब हुई। जिला देहरादून तहसील ऋषिकेश के पास गंगा बैराज के निकट रिसोर्ट बना हुआ था, जिसमें अंकिता भंडारी कार्य करती थी। 18 तारीख की रात को गुम हुई। 23-24 की तारीख को जानकारी आई कि उसका मर्डर हो गया है। उसकी डेड बॉडी गंगा किनारे पड़ी मिली है। पोस्टमार्टम के लिए एम्स हॉस्पिटल भेजा गया और पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई। अंकिता का पोस्टमार्टम ऋषिकेश मसूरी में हो रहा है। पूरी जानकारी मिलने के बाद शासन प्रशासन रिसोर्ट की सील कर लिया है। कुछ दीवार तोड़ दी गई है। बुलडोजर चलाकर अभी काफी हंगामा हुआ और लोगों ने पौड़ी में लैसडोन में काफी हंगामा किया। काफी शासन ने भी बड़ी मुस्तैदी के साथ कानूनी कार्रवाई करते हुए लेखपाल को सस्पेंड करा दिया। डेड बॉडी परिवार को दे दी गई है। अंकिता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी 18 तारीख से कोई भी फोन संपर्क नहीं हुआ है। मैंने पौड़ी डीएम के यहाँ के एप्लीकेशन दिया, उस पर एक्शन लेकर पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। कैमरामैन गायत्री पाठक के साथ वीरेंद्र कुमार सिंह, देहरादून, जगत न्यूज 24। अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या 18 तारीख को हो गई थी, उसकी लाश जिला बैराज से मिल चुकी है और एम्स पहुंच चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या क्या था। ये सब एम्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था। ये सब SDRF की कड़ी मशक के बाद चिला डैम से उसकी बॉडी मिली है और यहाँ पर पहुँच रहे हैं जनप्रतिनिधि, पहुंच रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर Thank you.